नमस्कार, मैं सुनील कुमार। मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिक मशीन्स, और हाइड्रोलिक मशीन्स में मैंने पेल्टन टर्बाइन को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। अभी उसके बारे में कुछ जानकारी देना है और वो अभी मैं आगे दूंगा। आज मुझे पढ़ना है बेसिकली रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन पढ़ने से पहले मैं पेल्टन टर्बाइन या इम्पल्स टर्बाइन के बारे में एक बात और करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पेल्टन टर्बाइन के बारे में मैंने बताया था कि जो पेल्टन टर्बाइन होती है, पेल्टन टर्बाइन क्या है? एक इम्पल्स टर्बाइन है। बेसिकली मैं सभी इम्पल्स टर्बाइन की बात कर रहा हूँ। इम्पल्स टर्बाइन मैंने बताया था कि जो इम्पल्स टर्बाइन होती हैं वो बेसिकली किसके लिए सूटेबल होती हैं? और हाई हेड, मतलब इम्पल्स टर्बाइन जो होती हैं हाई हेड टर्बाइन होती है, ठीक। और जो रिएक्शन टर्बाइन होती हैं, ये भी मैंने बताया था, रिएक्शन टर्बाइन जो होती हैं ये आपकी मीडियम हेड या लो हेड टर्बाइन क्या होती हैं? मीडियम हेड, मीडियम और लो हेड, याद है आपको। जैसे कि पेल्टन इंपल्स की बात करें तो इंपल्स में क्या आता है? पेल्टन टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन क्या है? हाई हेड। और रिएक्शन बात करें, जैसे आप फ्रांसिस की बात करो, फ्रांसिस क्या होती है? मीडियम। और कपलान और प्रोपेलर क्या है? लो हेड। तो आप समझ रहे हो, इतना आपको रटा ही हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हाई हेड का मतलब क्या होता था? 300 मीटर या उससे ज़्यादा। मीडियम का मतलब क्या था? 300 और 60 के बीच। और लो हेड का मतलब क्या था? 60 से ज़्यादा, ना 60 मीटर। ओके, अब एक बात मेरा था कि इम्पल्स टर्बाइन हाई हेड ही क्यों और रिएक्शन टर्बाइन लो हेड या मीडियम हेड ही क्यों? इसका उल्टा क्यों नहीं? उल्टा क्यों नहीं मतलब, अगर मैं इम्पल्स टर्बाइंस को लो हेड पे काम कर रहा हूँ, क्या समस्या है? और रिएक्शन टर्बाइंस को हाई हेड पे काम कर रहा हूँ तो क्या समस्या है? तो दो सवाल हैं, इम्पल्स टर्बाइंस को लो हेड या मीडियम हेड पे काम कर रहा हूँ तो क्या समस्या है, और रिएक्शन टर्बाइंस को हाई हेड पे काम कर रहा हूँ तो क्या समस्या है? तो इन दो समस्याओं में से एक समस्या मैं आज सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्या सॉल्व करूंगा? कि इम्पल्स टर्बाइंस को लो हेड या मीडियम हेड पे काम कराएं तो क्या दिक्कत। मैं बता दे रहा हूं, दिक्कत होगी। इम्पल्स टर्बाइंस को लो हेड या मीडियम हेड पे काम कराओगे तो दिक्कत होगी, और इसलिए इम्पल्स टर्बाइंस को लो हेड या मीडियम हेड पे यूज नहीं करते हैं। किस पे यूज करते हैं? हाई हेड। मीडियम हेड और लो हेड पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज हम अभी देखने जा रहे हैं कि क्यों इस्तेमाल नहीं करते लो हेड या मीडियम हेड के लिए, किसको? इम्पल्स टर्बाइन को, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आपको याद होगा इम्पल्स टर्बाइन के लिए, आपको कुछ याद होगा तो मैं पहले बात करता हूँ। इसे मान लो ये इम्पल्स टर्बाइन का रनर है, ये ब्लेड्स हैं, ये मैं सिंबॉलिक ब्लेड बनाता हूँ। ब्लेड्स का शेप तो आप जानते हो क्या होता है, डबल हेमी स्फेरिकल या डबल सेमी एलिप्सॉइडल। मैं तो बस केवल ऐसे ही बना दे रहा हूँ ताकि बस लगे कि हाँ ब्लेड है। अब ये ब्लेड है, अब देखो ये धारा जाके टकराएगी, क्या इस धारा का कोई एरिया होगा? यस एरिया होगा, मैं इसको स्मॉल ए से बोल रहा हूँ। क्या कुछ डायमीटर होगा? यस डी होगा। कुछ वेलोसिटी होगी? यस कैपिटल वी होगी। धारा की वेलोसिटी कैपिटल वी बोल रहा हूँ। ब्लेड की वेलोसिटी कितनी होती थी? यू। इसको बोलते थे ब्लेड स्पीड या ब्लेड की टेंजेंशियल स्पीड या पेरीफेरल स्पीड, ठीक है। और ये पानी कहाँ से आ रहा था? ये पानी आ रहा था एक नोजल से। और ये नोजल में पानी कहाँ से आ रहा था? पेनस्टॉक से। किससे आ रहा था? पेनस्टॉक से, ठीक है। ये नोजल है, सब ना गंदा, ठीक है। चलो समझते हो आप, ये नोजल है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ जो डिस्चार्ज था, ये डिस्चार्ज जो पानी बाहर निकलता था, उस डिस्चार्ज का फार्मूला आपको याद है? यस, मैंने बताया था जो डिस्चार्ज होगा यहाँ पे, वो डिस्चार्ज होगा एरिया गुड़े वेलोसिटी, या गुड़े वेलोसिटी वी कैपिटल वी। हाँ, एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई बाई फोर स्मॉल डी स्क्वायर। स्मॉल डी मतलब जेट का डाया, ठीक है। इसका डाया तो कैपिटल डी था व्हील का, और वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी भी आप जानते हो अंडर रूट 2gh होगी। अब एक बात बताओ, आप देख रहे हो, आपको एक बात पता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाएं, आपको एक बात पता है कि
जो पावर होती है, पावर डेवलप्ड, ये होता है गामा स्पेसिफिक वेट क्यू एच या ओवरऑल। ये चीज कांस्टेंट होगी, या ये तो कांस्टेंट होगी फ्लूइड के हिसाब से, और ये सिस्टम पे डिपेंड करेगा, मशीन पे डिपेंड में वो कितना वो इफिशेंट बनी है। लेकिन दो चीज़ें होती जो हमें सेलेक्ट करनी, इसका मतलब जो पावर है वो डिपेंड करती है क्यू पे और एच पे। आपको मैंने बताया था जब भी आप पावर प्लांट लगाएंगे तो पावर प्लांट किसी जिस जहाँ पे भी आप लगाएंगे वहाँ की सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी। सरकार आपसे एक चीज़ पूछती है कि आप कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाएंगे। आपने कहा मैं 100 मेगावाट का लगाना चाहता हूँ। अब 100 मेगावाट का लगाना चाहते हैं, ये बात आपने सरकार से बताई। सरकार आपसे ये नहीं पूछेगी 100 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए आप कौन सी टर्बाइन लगाने जा रहे हैं, ये नहीं पूछेगी। मतलब सरकार को सिर्फ इतना मतलब है आप कि कितना पावर आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो इसका मतलब प्लांट लगाने से पहले ये चीज़ फिक्स हो जाती है पावर, कि आप पहले डिसाइड करना होगी पावर की कितनी। अब आपने पावर जब फिक्स कर दी तो बताओ, अब पावर फिक्स कर दी और आप क्या कह रहे हो, इम्पल्स टर्बाइन जो कि हम जानते हैं हाई हेड के लिए इस्तेमाल होती है, आप कह रहे हो हम इसको लो हेड या मीडियम हेड पे काम कराएं, तो क्या समस्या, चलो सिलेक्ट। आप क्या लगाने जा रहे हो, फर्स्ट टर्बाइन, ठीक है। और आप कहने चाह रहे हो कि हेड क्या है, हेड है लो। अब आप बताओ, अगर जो पावर प्रोड्यूस करनी है उस पावर को प्रोडक्शन के दौरान अगर हेड कम है तो डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, हाई। चार्ज क्या होना चाहिए, हाई। पेल्टन टर्बाइन लगाना है आपको, लेकिन आप हेड आपने क्या सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हेड लो है तो उससे क्या क्या नुकसान है, देखो पहली बात तो ये जो वेलोसिटी ऑफ जेट ये क्या होता है, ये होता है सी टी रूट 2gh। ये हम यहाँ पे नेट हेड या इफेक्टिव हेड लिख रहे हैं ना, नेट हेड या इफेक्टिव हेड। लेकिन अगर ग्रॉस हेड कम है, या इसको भी नेट हेड या इफेक्टिव हेड ही मानो, अगर ये कम है ये वैल्यू भी क्या होगी, इसको मैंने कैपिटल एच ही बोल लेता हूँ, कैपिटल एच ही थोड़ा साफ कर ले। ओके, अब एक बात बताओ, अगर ये h कम है तो ये वैल्यू कम हो गई, और अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वेलोसिटी ऑफ जेट भी क्या हो गई कम हो गई। अब एक बात बताओ, जो पानी यहां टकराने जा रहा है अगर उसकी वेलोसिटी कम होगा सुनो, वेलोसिटी कम होगी, क्यों वेलोसिटी कम है, क्योंकि हेड कम है, वेलोसिटी कम है, क्यों कम है, क्योंकि हेड कम है। लेकिन डिस्चार्ज क्या रखना है, ज़्यादा, क्योंकि डिस्चार्ज का फार्मूला है। अब बताओ वेलोसिटी, देखो डिस्चार्ज को ज़्यादा रखना है परंतु वेलोसिटी कम है, तो हमें यहाँ पे एरिया को बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, एरिया को इतना ज़्यादा रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी के कम होने का जो प्रभाव वो भी कंपनसेट हो जाए और उसके बाद भी डिस्चार्ज बढ़ जाए। तो आपने देखा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी कम है और डिस्चार्ज ज़्यादा है, डिस्चार्ज को ज़्यादा रखने के लिए आपको एरिया जेट का बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कम है। एरिया बढ़ाने का मतलब आपको जेट का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। अब आप समझो, जेट का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा अगर आप सेम पावर चाह रहे हो तो। अगर आप सेम पावर नहीं चाह रहे हो, मान लो आपको हम डायमीटर नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो डायमीटर नहीं बढ़ाओगे, हेड कम है वेलोसिटी घट गई, अब वेलोसिटी घट गई परंतु आप डायमीटर नहीं बढ़ाओगे तो डिस्चार्ज भी कम, हेड भी कम, डिस्चार्ज भी कम और फिर पावर भी कम। तो अगर आप सेम पावर चाहते हो, हेड कम होगा तो डिस्चार्ज आपको बढ़ाना पड़ेगा, डिस्चार्ज बढ़ाने का यहाँ कौन जुगाड़ है, एरिया बढ़ाना, ठीक है। अब बताओ
जब तुम एरिया बढ़ाने को मतलब डायमीटर बढ़ाओगे जेट का, और जेट का डायमीटर बढ़ाओ, समझो। अभी यहाँ जेट का मैं डायमीटर दिखाता हूँ, जेट का डायमीटर दिखाता हूँ, समझो। ये है जेट का डायमीटर, ये जो जेट निकल, ये है जेट का डायमीटर। अब बताओ अगर ये जेट का डायमीटर ज़्यादा करना पड़े, मानो ज़्यादा कर लिया जेट का डायमीटर, मानो हमको इतना बढ़ाना, यहाँ पर इतना था इतना हो गया, ठीक है, ये जेट है, जेट का डायमीटर बढ़ेगा तो नोजल ही बढ़ाना पड़ेगा। नोजल छोड़ो, यहाँ तो ये छोटी सी ब्लेड थी, अब इस जेट का कोई भी हिस्सा बर्बाद ना जाए, पूरा पानी टकराए, इसके लिए हमें ब्लेड भी क्या करनी पड़ेगी, ब्लेड ही बनानी पड़ेगी, बड़ी सी। और इस बड़ी सी ब्लेड को बनाने के लिए हमें यहाँ व्हील भी क्या बनानी पड़ेगी, बड़ी। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर जेट का डायमीटर बढ़ने के कारण व्हील का डायमीटर भी बढ़ाना पड़ा, और इस कारण पूरा सिस्टम हमारा बल्की हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर सिस्टम बड़ा हो जाएगा तो उसको चलाने में ज़्यादा एनर्जी भी खर्च होगी, ठीक है, और जगह भी ज़्यादा घेरेगी, समझ रहे बात को। इसलिए इसलिए आपने देखा कि पेल्टन टर्बाइन को अगर आप लो हेड पे, पेल्टन टर्बाइन या कोई भी इंपल्स टर्बाइन को अगर आप लो हेड पे काम करा रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ रही, सिस्टम क्या हो जा रहा है, बल्की, सिस्टम बल्की, बड़ा बना, बल्की मतलब बड़ा, बल्की वर्ड का मतलब क्या होता है, बल्की का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा जगह घेरे, जो भयंकर हो जाए, बड़ी हो जाए, सिस्टम हो जाएगा बल्की। क्या हम चाहेंगे बल्की सिस्टम बने हमारा, बड़ा भारी भरकम, नहीं। इसलिए इम्पल्स टर्बाइन को कभी भी हम लोग लो हेड या मीडियम हेड के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। आपको दो सवाल, आपके सामने मैंने दो सवाल रखे थे, इम्पल्स टर्बाइन लो हेड या मीडियम हेड पे क्यों नहीं, और रिएक्शन टर्बाइन हाई हेड पे क्यों। आपको एक बात का आंसर मिला है कि इम्पल्स टर्बाइन लो हेड या मीडियम पे क्यों नहीं। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे डिस्चार्ज बहाने समस्या होगी। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, सिस्टम को छोटा बनाना चाहोगे, सिस्टम को बल्की नहीं, सिस्टम कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट कैसे हो सकता है, जब एरिया कम रखा जाए, एरिया कम से कम होगा जब आपका डिस्चार्ज कम हो, और डिस्चार्ज अगर कम रखोगे तो हेड क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो आपका पेल्टन टर्बाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा, तब जब पेल्टन टर्बाइन किस हेड पर इस्तेमाल होगी, हाई हेड। पेल्टन टर्बाइन इज सूटेबल फॉर हाई हेड एप्लीकेशन। जब भी हेड जो अवेलेबल है, हेड जो अवेलेबल है वो 300 मीटर या उससे ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, पेल्टन टर्बाइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिएक्शन टर्बाइन के बारे में, और जब रिएक्शन टर्बाइन की बात करेंगे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि रिएक्शन टर्बाइन मीडियम हेड या लो हेड पे ही क्यों, रिएक्शन टर्बाइन हाई हेड पे क्यों नहीं, ठीक है, रिएक्शन टर्बाइन हाई हेड पे क्यों, वहाँ भी कुछ समस्याएं आएंगी, तो आप देख ही रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बात करते हैं फ्रांसिस टर्बाइन की। फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, बहुत धीमे धीमे समझेंगे इन चीज़ों को, बहुत धीमे धीमे, ठीक है, धीमे धीमे। चलो फ्रांसिस टर्बाइन क्या है, फ्रांसिस टर्बाइन एक रिएक्शन टर्बाइन, ये बात तो आप जानते ही हो, फ्रांसिस टर्बाइन क्या है, एक रिएक्शन टर्बाइन है। थोड़ा रुकिए, फ्रांसिस टर्बाइन क्या है, एक रिएक्शन टर्बाइन है, ओके। और इसमें फ्लो कैसा होता है, मिक्स फ्लो, मिक्स फ्लो मैंने बोला, इसका मतलब ये कौन सी है, ये मॉडर्न है, ये कौन सी है, मॉडर्न वाली, ये ओल्ड वाली नहीं है, मॉडर्न वाली है, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है। और इसमें क्या है, इसमें एक बात और बोलिए, फ्रांसिस टर्बाइन्स आर मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन्स विद रनर हैविंग नॉन एडजस्टेबल ब्लेड। ये वर्ड क्यों बोला, देखो ये वर्ड क्यों बोला है, हम आपको, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं ईमानदारी बताऊं, मैं आपको ये बात बताने मतलब समझाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये हम लोग हायर क्लासेस में और आगे क्लासेस में ये बात पढ़ते हैं कि जो कपलान टर्बाइन है, जो कपलान टर्बाइन है ये वास्तव में डेवलप किससे हुआ है, ये डेवलप हुआ है फ्रांसिस, फ्रांसिस के रनर को ही, फ्रांसिस टर्बाइन के रनर को ही मॉडिफाई करते करते ये कपलान बना। तो कई बार हम बोलते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के रनर को मॉडिफाई, फ्रांसिस टर्बाइन के रनर को मॉडिफाई करके ही बना है कपलान, ठीक है,
मॉडिफिकेशन मतलब देखो ट्रांसिस्टर टरबाइन लो स्पेसिफिकेशन मीडियम स्पेसिफिकेशन और कप्लान हाई स्पेसिफिकेशन, मैंने स्पेसिफिक स्पीड बोला है हाई। तो जब ट्रांसिस से कप्लान तरफ जाते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड बढ़ती है और स्पेसिफिक स्पीड के बढ़ने के साथ रनर का शेप में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। रनर का शेप इस प्रकार से परिवर्तित होता है कि जो फ्लो ट्रांसिस में मिक्स्ड होता है रनर का शेप बदलते बदलते कप्लान में एक्सियल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कप्लान टरबाइन ट्रांसिस का ही मॉडिफिकेशन है, कप्लान टरबाइन ट्रांसिस का ही मॉडिफिकेशन, बात समझ पा रहे हैं। तो अगर कप्लान टरबाइन ट्रांसिस का मॉडिफिकेशन है तो कई बार एग्जामिनर हमसे कप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन में कंपैरिजन करवा लेता है, भाई दोनों एक ही फैमिली की तरह दिख रहे हैं, कप्लान फ्रांसिस से निकला है, कप्लान टरबाइन फ्रांसिस से डेवलप हुआ है, तो क्या अंतर आया है इस डेवलपमेंट के दौरान, क्या अंतर आया, तो हमसे पूछ लेता है। तो हम लोग उसको लिखते भी हैं अपने एग्जाम में, आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जब ये बात हम बता रहे होते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन से निकला है कप्लान, फ्रांसिस से डेवलप हुआ है कप्लान, तो एक अंतर आता है, जहां इसका रनर नॉन एडजस्टेबल होता है वहीं इसका रनर क्या होता है, एडजस्ट। इसीलिए फ्रांसिस टरबाइन को बताते समय एक वर्ड मैंने यहां लिख रखा है, फ्रांसिस टरबाइन मिक्स फ्लो है, रिएक्शन है, और जो रनर है उसका ब्लेड कैसे हैं, एडजस्टेबल कि नॉन एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि फ्रांसिस टरबाइन ब्लेड कैसे होते हैं, नॉन एडजस्टेबल, और कप्लान में एडजस्टेबल। लेकिन सर हाँ आगे एडजस्टेबल तो लिखा है, बेटा ये जो एडजस्टेबल वर्ड लिखा है ये रनर के ब्लेड के लिए नहीं है, ये गाइड वेन के लिए, गाइड ब्लेड के लिए, ठीक है। और इसी गाइड ब्लेड के लिए, ये गाइड ब्लेड हैं जो एडजस्टेबल होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिगर वगैरह तो आपको क्लियर होगा, ये जो गाइड ब्लेड हैं ये एडजस्टेबल हैं, इसी गाइड ब्लेड को क्या, इन्हीं गाइड ब्लेड को हम क्या बोलते हैं, विकेट गेट। और ये विकेट गेट या गाइड ब्लेड एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन रनर के ब्लेड एडजस्टेबल नहीं होते, वो नॉन एडजस्टेबल होते हैं, है। और आप जानते हो फ्रांसिस टरबाइन किसके लिए होता है, एम हेड, और इन दिस टरबाइन द एडमिशन इज ऑलवेज रेडियल, आप जान ही रहे हो मिक्स फ्लो का मतलब क्या है, एडमिशन मतलब एंट्री रेडियल और एग्जिट एक्सियल, रेडियल इन, रेडियली इन, एक्सली आउट, कुल मिला के क्या हो गया, मिक्स फ्लो। तो कितनी बातें हमने समझी, फ्रांसिस टरबाइन या मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन फ्लो कैसा है, मिक्स फ्लो, कैसी टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन, रनर का ब्लेड कैसा होता है, नॉन एडजस्टेबल, और गाइड वेन कैसी होती है, एडजस्टेबल। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, गाइड वेन इनको विकेट गेट भी बोलते हैं, ये एडजस्टेबल ही होती हैं। क्यों एडजस्टेबल होंगी भाई, इन्हीं गाइड ब्लेड को मैं वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्लेड, अगर मैं लिखूँ ब्लेड, अगर मैं लिखूँ वेन, अगर मैं लिखूँ बकेट, सब का मतलब एक ही है, हाँ। तो आप कंफ्यूज होते हैं, ब्लेड वेन बकेट, तो गाइड वेन गाइड ब्लेड इन्हीं के माध्यम से तो फ्रांसिस टरबाइन्स की क्या होंगी, गवर्निंग, और गवर्निंग करने के दौरान क्या होगा, लोड के घटने बढ़ने के साथ डिस्चार्ज को कंट्रोल करना होता है, और डिस्चार्ज को कंट्रोल करना है इन गाइड वेन्स का, इन गाइड वेन्स का एडजस्टेबल होना आवश्यक है। ये अपने आप को अगर एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगी, अपने आप को कम ज़्यादा नहीं, अपने जो यहाँ इनमें जो ओपनिंग है जो रास्ता है, अगर इस रास्ते को कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, चार्ज को कंट्रोल कैसे करेंगी, ये गाइड वेन्स का एडजस्टेबल होना आवश्यक है। अगर मैं एडजस्टेबल यहाँ ना भी लिखूँ तो भी कोई मतलब, कोई दिक्कत नहीं, आप जानेंगे कि आप समझेंगे इस बात को कि एडजस्टेबल ही होगा, सर ने लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। हमने इतनी बातें समझी, और मीडियम हाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं बात आपको पता ही है। अब और आगे बढ़ते हैं, दियर यूजुअल फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, मीडियम हेड बोल दिया बहुत हो गया, कितना होता है, कितना फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है, 60 से 300 मीटर, 60 मीटर से कम पे नॉर्मली प्रयोग नहीं करते, कर सकते हैं पर नहीं करते, और 300 मीटर से ऊपर प्रयोग नहीं करते, ठीक है। 60 से 300 मीटर जो हेड है ये इसका नॉर्मल फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है, नॉर्मल बोल सकते हो, या इस वो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन जिसमें सबसे अच्छे से काम करेगा। 300 मीटर से ऊपर अगर आप फ्रांसिस टरबाइन लगा दोगे, ऐसा नहीं कि काम ही नहीं करेगा, करेगा, पर उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी आपको। और 60 मीटर से नीचे ले जाओगे तो ऐसा नहीं कि फ्रांसिस टरबाइन काम करना बंद कर देगी, करेगी पर उतना अच्छा काम नहीं करेगी, बल्कि उस जगह पे आप कप्लान और प्रॉपर लगाओगे तो अच्छा काम करेगी। तो अगर 60 मीटर से नीचे फ्रांसिस काम कर सकती है पर अच्छा काम नहीं करेगी, और कप्लान अच्छा काम करेगी, हम क्या लगाएंगे, कप्लान।
इसलिए 60 मीटर से नीचे हमेशा कपलान या प्रॉपलर को प्रेफर करते हैं, 60 से ऊपर फ्रांसिस, और 300 तक फ्रांसिस चलेगा, और 300 से ऊपर पेरिटन। आप समझ रहे हैं? अब देखो, अब यहां मैंने एक बात बोली है, क्या बोली है, द वॉटर एंटर्स द टर्बाइन बाई द स्पाइरल केसिंग। यहां पर एक वर्ड आया है स्पाइरल केसिंग, क्या वर्ड आया है, स्पाइरल, स्पाइरल केसिंग। तो स्पाइरल केसिंग बोले या स्क्रॉल केसिंग बोले, मैं तीन नाम होते हैं एग्जाम में कुछ ही बोल सकता, स्पाइरल केसिंग, स्क्रॉल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ाऊंगा मैं तो भी ये वर्ड आएगा, ठीक है, स्पाइरल केसिंग, स्क्रॉल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग, तीनों वर्ड एक ही है, तीन नाम है, आपको पता होना चाहिए। तो द वॉटर इंटर्स द टर्बाइन बाय द स्पाइरल केसिंग दैट इज डिजाइंड, मतलब कुछ मिला के यहाँ एक स्पाइरल केसिंग इसी कोई चीज़ों, और यहाँ पे जो केसिंग है ये बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए, यहाँ पे बिना केसिंग के काम चलेगा ही नहीं। का मतलब क्या, रिएक्शन टर्बाइंस में केसिंग का एक हाइड्रोलिक फंक्शन होता है। ये हाइड्रोलिक फंक्शन क्या होता है मैं भी समझाऊंगा। इम्पल्स टर्बाइन में केसिंग ऑप्शनल होती है, आप लगाओ तो सही ना लगाओ तो सही, लेकिन सेफ्टी अगर आप चाहते हो आप, अच्छा होगा कि इम्पल्स टर्बाइन में भी केसिंग का प्रयोग करें, लेकिन वहां पे केसिंग का, इम्पल्स टर्बाइन में केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं था। ये वर्ड याद रखिएगा, इम्पल्स टर्बाइन में केसिंग हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन टू परफॉर्म, बट इन रिएक्शन टर्बाइन केसिंग हैज आ सर्टेन हाइड्रोलिक फंक्शन। यहाँ केसिंग ऑप्शनल नहीं होगी, यहाँ केसिंग नेसेसरी होगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अभी और ये जो केसिंग है ये डिजाइन किस प्रकार से है, कीप द वेलोसिटी कॉन्स्टेंट अलोंग द कॉन्जिक्यूटिव सेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूट इट पेरिफेरली। क्या मतलब, यहाँ जो केसिंग है, केसिंग को इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो वेलोसिटी रहे वो आगे सेक्शंस पर, आगे के सेक्शंस पे क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, और साथ में ये केसिंग इस प्रकार से बनी हो कि जो पानी है प्रवेश किया है केसिंग में वो परिधि पर बराबर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट। सर क्या मतलब, मैंने कम समझा, कोई बात नहीं मैं सभी समझाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा केसिंग दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये है केसिंग, ये है केसिंग। सर ये केसिंग भी कम समझ में आ रही है हमका, चलो पूरी टर्बाइन देखते हैं पहले। ये देखो, ये जो है मैंने फिगर बना रखा है, ये टर्बाइन का फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखोगे तो ये बनेगा। अच्छा सर, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू है, ये कौन सी टर्बाइन है, ये टर्बाइन ऐसी है जिसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। सर कोई कसम है कि एक्सिस वर्टिकल ही हो, क्या इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो बिगर यूनिट्स होती हैं, बिगर यूनिट मतलब बड़ी टर्बाइंस, उनका एक्सिस वर्टिकल रखा जाता है ताकि रनर क्या रहे, रनर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करे, और जो स्मॉलर यूनिट होती हैं, स्मॉलर टर्बाइंस होती हैं, उनके एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, और जब एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा तो रनर किस में प्लेन रोटेट करेगा, वर्टिकल प्लेन। तो ये डिपेंड करता है यूनिट पर, टर्बाइन की, यूनिट मतलब टर्बाइन पे, छोटी यानी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, छोटी टर्बाइन है कि बड़ी टर्बाइन है, ठीक है। तो ये टर्बाइन में ऐसी टर्बाइन है जिसका शाफ्ट कैसा है, वर्टिकल। अब यहाँ पे इसका टॉप व्यू देखा जाए, तो टॉप व्यू को देखिए, तो टॉप व्यू को अगर आप देख रहे होंगे, आप पा रहे होंगे ये एक पाइप है, ये एक पाइप, देखिए ये पाइप वास्तव में जुड़ा होता है पेनस्टॉक से, लिखा भी है देखो, फ्रॉम पेनस्टॉक, पानी जो होता है पेनस्टॉक से प्रवेश करता है। पेनस्टॉक में पानी कहाँ से आता है, डैम से, पेनस्टॉक से पानी डैम से पानी पेनस्टॉक में आया, अब पेनस्टॉक के बाद ऐसे आया। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ पानी कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आता है, मैंने पानी की जर्नी बता देता हूँ। देखो पानी जो है प्रवेश आता है रिजर्वायर से, सबसे पहले कहाँ होता है, रिजर्वायर में। सर रिजर्वायर लिख रहे हैं आप डैम डायरेक्ट लिख दीजिए ना, आप डैम डायरेक्ट, आप क्या लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए डैम, बता दूं मैं, आप डायरेक्ट डैम लिख दीजिए, नहीं डायरेक्ट डैम नहीं ले सकता, क्यों ले सकता, देखो हाइड्रो पावर प्लांट भी कई प्रकार के होते हैं। एक हाइड्रो पावर प्लांट होता है स्टोरेज बेस्ड,
इसको बोलते हैं स्टोरेज पावर प्लांट, ठीक है, उस पर डैम होता है। एक होता है रन ऑफ रिवर प्लांट, डैम नहीं होता, नदी का पानी बह रहा है, वो बहते हुए पानी को बिना रोक के डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है टर्बाइन में। और एक होता है पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है। कई प्रकार की स्कीम, ये स्कीम्स हैं तो किस तरीके से आपका प्लांट इस्टेब्लिश होगा, आप किस प्रकार का जो प्लांट बनता है, कई बार उसको स्टोरेज प्लांट बोलते हैं, कई बार रन ऑफ रिवर प्लांट बोलते हैं, कई बार पंप स्टोरेज प्लांट बोलते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, स्टोरेज प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट, पंप स्टोरेज, रन ऑफ रिवर, पंप स्टोरेज। अब आपको जानने की जरूरत नहीं सब क्या है, ठीक है, जब नौकरी पाएंगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तीन है, स्टोरेज प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट, पंप स्टोरेज प्लांट। इसमें से ये जो पंप सॉरी जो स्टोरेज प्लांट होता है इसमें ही डैम होता है, रन ऑफ रिवर प्लांट में डैम है, तो इसलिए मैं यहाँ रिजर्वायर लिख रहा हूँ, डैम नहीं लिख रहा हूँ। रिजर्वायर का मतलब पानी स्टोर, कहाँ स्टोर है पता नहीं, डैम में स्टोर है तो ठीक, नदी में स्टोर है रिजर्वायर। पानी रिजर्वायर से इसमें प्रवेश करेगा, पेन स्टॉक में प्रवेश करेगा। अब ऐसा नहीं कि रिजर्वायर से पेन स्टॉक में डायरेक्ट पानी प्रवेश कर रहा होगा, रास्ते में कुछ और नहीं होगा, रास्ते में और भी चीज़ें होंगी। कि जो पानी आ रहा होगा रिजर्वायर से पेन स्टॉक में जब प्रवेश कर रहा है, तो पानी के साथ कुछ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब गंदगी ना चली जाए, उसके लिए लोग वहाँ पर जाली वगैरह भी लगाएंगे, और साथ में कंट्रोल गेट्स भी होते पानी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए, पानी को रोकने के लिए। हमें मान लीजिए पूरी टर्बाइन यूनिट को बंद करना है, हाइड्रो पावर प्लांट को स्टॉप करना है कुछ दिन, पानी रोकना पड़ेगा ना, पानी यहीं रोकना पड़ेगा पेन स्टॉक में जाने से पहले ही, ठीक है, पानी यहाँ से रोकना ही पड़ेगा ना। तो और भी यहाँ रिजर्वायर और पेन स्टॉक के बीच भी और सारी डिवाइसेस लगी होंगी, पर वो डिवाइसेस मेजर नहीं है, माइनर है, बहुत सारी हो सकती हैं, मुझे खुद नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मेजर डिवाइस। पानी रिजर्वायर से पेन स्टॉक में आएगा, अब पेन स्टॉक से अब आप कहोगे जाएगा टर्बाइन में, टर्बाइन, लेकिन टर्बाइन के कई पार्ट हैं। टर्बाइन का पार्ट, पहला पार्ट टर्बाइन में पानी प्रवेश करने का मतलब पहले टर्बाइन के किस हिस्से में प्रवेश करेगा, केसिंग में। सर इसका मतलब लिखिए पहले केसिंग, रुको देखो, टर्बाइन के पहले ये जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक देखो, पेन यहाँ पानी आ रहा है, ये पेन स्टॉक, पेन स्टॉक जहाँ अंत हुआ है उससे पहले ही एक चीज लगी होती है, इसे बोलते हैं सर्ज टैंक। क्या बोलते हैं, सर्ज टैंक। अब सर्ज टैंक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, प्लीज़, ठीक है, आप समझदार हैं, थोड़ा सा ये सिविल वाले पढ़ते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रिजर्वायर से पेन स्टॉक से सर्ज टैंक, स्टॉक से सर्ज टैंक, सर्ज टैंक। अब इस सर्ज टैंक के बाद पानी प्रवेश करता है टर्बाइन में, इन टर्बाइन में पहले कहाँ प्रवेश करता है, पहले प्रवेश करता है ये है केसिंग, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ही केसिंग, पहले प्रवेश करता है सर। केसिंग की बात क्या हो, देखो केसिंग की बात क्या होगा, मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ। हाँ, केसिंग में जब पानी प्रवेश किया तो केसिंग में जब आगे से सॉरी केसिंग में जब प्रवेश कर रहा है, ये जो पानी से आ रहा है, तो ये पानी यहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ से कट लेगा अंदर की ओर, फिर जा रहा है कुछ हिस्सा यहाँ से कट लेगा अंदर की ओर, यहाँ से कट लेगा अंदर की ओर, ये ऐसे पानी अंदर भी जाएगा, पानी अंदर भी जाएगा। तो ये जो केसिंग के तुरंत बाद एक और रिंग आती है, रिंग, एक और रिंग आती है, इसे बोलते हैं टेरिंग। क्या बोलते हैं, टेरिंग। पानी के बाद इस जाएगी टेरिंग, STAY, टेरिंग, या और स्टे रिंग में क्या लगी हो, क्या बने होते हैं, स्टे वेन। अभी क्या होता है मैं फिगर में दिखाऊंगा, टेरिंग। इस स्टे रिंग के बाद, इस स्टे रिंग के बाद क्या होगा, अब इस स्टेरिंग के बाद अंदर एक और व्हील होती है, इसे बोलते हैं क्या, गाइड व्हील, और इसी में लगे होते हैं गाइड वेन, कौन से, एडजस्टेबल वाले। स्टेरिंग के बाद लगी होती है गाइड रिंग या गाइड व्हील, ठीक है, गाइड व्हील या गाइड रिंग कुछ भी है। और उस गाइड व्हील के बाद पानी प्रवेश करता है रनर में,
रनर मतलब वो हिस्सा जो रोटेट करेगा, टरबाइन का वो हिस्सा जो रोटेट करे, जिससे शाफ्ट लगा हो, जिससे शाफ्ट जुड़ा होगा। ये अब पानी प्रवेश किया किसमें, रनर में, ये पहुंचा मेन पार्ट में जहां पे वास्तव में मैकेनिकल एनर्जी बनना शुरू हो। और रिएक्शन टरबाइंस में, रिएक्शन टरबाइंस में जब पानी रनर में प्रवेश करेगा, रनर के बाद बाहर निकलेगा, देखो रनर में वहां दिखा देता हूं, ये हिस्सा, ये हिस्सा यहां से लेकर ये जो बना हुआ ये यहां तक ये रनर है, उसके बाद ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक है, ये है ड्राफ्ट ट्यूब। रनर के बाद पानी प्रवेश करता है ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब में, और ड्राफ्ट ट्यूब के बाद, ड्राफ्ट ट्यूब के अंत में ये पानी होता है, ये लगा होता है टेल रेस जहां पानी छोड़ना है। ड्राफ्ट ट्यूब के बाद पानी कहां जाता है, उस रिजर्वायर में जहां पानी छोड़ना है। तो मैं यहां पे रिजर्वायर लिख दूं या मैं लिख दूं टेल रेस, टेल रेस। और सर अगर आप यहां इसको टेल रेस लिख रहे हैं बेहतर होगा इसको हेड रेस लिखिए, तो क्या लिखिए, हेड रेस, मैं लिख दे रहा हूं इसको हेड रेस, रेस टेल रेस रिजर्वायर ही होते हैं। हाँ, ये है पूरा सीक्वेंस पानी का, पानी कहां कहां से जाएगा किन किन, तो आप जरा ध्यान सुनिएगा। यहां पे पहले क्या आया, हेड रेस, टेल रेस, हेड स्टॉक के, हेड रेस के बाद पेन स्टॉक, पेन स्टॉक सर्च टैंक, केसिंग, स्टेयर गाइड, टर्न। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं टरबाइन, टरबाइन क्या हिस्सा है, तो यहां पे मैं बता देता हूं आपको टरबाइन क्या है। देखो इसमें आपको बात करता हूं, ये रनर, ये केसिंग, और ये सॉरी ये ड्राफ्ट ट्यूब, ये है टरबाइन। ये हिस्सा क्या कहलाएगा, टरबाइन, हिस्सा क्या कहलाएगा, हिस्सा कहलाएगा टरबाइन, क्या कहलाएगा, टरबाइन। अच्छा सर, ये हिस्सा टरबाइन कहलाएगा, यस ये टरबाइन कहलाएगा। अब देखो इस टरबाइन अगर कहलाता है, टरबाइन मतलब रिएक्शन टरबाइन में क्या क्या पार्ट होते हैं, केसिंग, स्टीयरिंग, गाइड व्हील, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब। अच्छा सर, सर अगर इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में कंपेयर करें तो क्या इंपल्स टरबाइन में रिजर्वायर होगा, हेड रेस होगा, इंपल्स में, यस, रिएक्शन में होगा, यस बिल्कुल, पानी कहीं ना कहीं चलना होगा ना। क्या इंपल्स और रिएक्शन दोनों में पेन स्टॉक होगा, यस। क्या इंपल्स और रिएक्शन दोनों में सर्ज टैंक होगा, यस। सर्ज टैंक इंपल्स और रिएक्शन दोनों टरबाइन में होते, बस दोनों टरबाइन होती हैं, दोनों होती, मतलब दोनों होती, बता दो, मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा, इंपल्स और रिएक्शन दोनों टरबाइन में होती, चलो सर्च टैंक, मतलब ये चीज इंपल्स रिएक्शन दोनों में होगी। फिर सर ये टरबाइन, ये पूरे को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, टरबाइन, यस सर, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन दोनों में टरबाइन होगी, हमने कहा बिल्कुल दोनों में टरबाइन होगी, दोनों में टरबाइन होगी। अच्छा सर, दोनों में टरबाइन भी होगी, ओके। अब इंपल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन दोनों में टरबाइन होगी, तो मतलब ये सब होगा, हाँ, लेकिन इंपल्स टरबाइन में केसिंग जैसी चीज नहीं होगी, या होगी तो ऑप्शनल, या होगी तो कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं। तो इंपल्स टरबाइन में केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में केसिंग का हाइड्रोलिक फंक्शन जरूर होगा। स्टीयरिंग जैसी चीज होगी इंपल्स टरबाइन में, नहीं ये भी नहीं होगी। गाइड व्हील जैसी चीज होगी इंपल्स टरबाइन में, नहीं ये भी नहीं होगी। रनर जैसी चीज होगी कि नहीं होगी, यस इंपल्स टरबाइन में ये होगा। इनफैक्ट इंपल्स टरबाइन में रनर ही मेन पार्ट है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में ये भी मेन है, ये भी मेन, ये भी मेन, ये भी मेन है। और सर क्या इंपल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब होगा कि नहीं, ना बिल्कुल नहीं होगा, ये बात समझ लो। दो चीज तो यहां तक बिल्कुल समझ लो कि इंपल्स टरबाइन में, इंपल्स टरबाइन में केसिंग ऑप्शनल होती है, आप लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, सेफ्टी के पर्पज से लगा लेते हैं लोग, मतलब इंपल्स टरबाइन हो सकती है वहां पे, लगा सकते हो,
लेकिन लगाओगे तो किस पर्पज से, सेफ्टी के पर्पज से, वहां उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। हाइड्रोलिक फंक्शन का मतलब क्या होता मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी आप रटो, वहां उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता, पर रिएक्शन टर्बाइन में इसका एक हाइड्रोलिक फंक्शन जरूर होगा। और सर इंपल्स टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब जैसी चीज होगी ही नहीं, सामने कई बार पूछेगा इनमें से कौन सी टर्बाइन में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होगा, किसमें नहीं होगा, इंपल्स टर्बाइन में, और रिएक्शन टर्बाइन में ही ये चीज मिलेगा। मतलब ड्राफ्ट ट्यूब किसका फीचर है, किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब मिल किसका पार्ट होगा, किस टर्बाइन का, इंपल्स की रिएक्शन, रिएक्शन केसिंग, इंपल्स और रिएक्शन दोनों में हो सकती है, पर इंपल्स में ऑप्शनल होती है, रिएक्शन में नेसेसरी होती है। इंपल्स में कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं, रिएक्शन में डेफिनेट हाइड्रोलिक फंक्शन है उसका, ठीक है। स्टीयरिंग, गाइड व्हील, ये दोनों इंपल्स में नहीं मिलेंगे, केवल रिएक्शन टर्बाइन में मिलेंगे। रनर, इंपल्स, रिएक्शन हर एक डिवाइस मिलेगा। रनर मतलब क्या, रोटरी पार्ट, अगर किसी टर्बाइन में रोटरी पार्ट ही नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्राप्त करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, इसलिए रनर कोई भी टर्बाइन हो दुनिया की सब में होगा। इतनी बात समझ में आई आपको, और फिर टेल रेस में भी सब, टेल रेस भी सब में रहेगा, चाहे इंपल्स हो चाहे रिएक्शन। कुल मिला के केसिंग, स्टेयरिंग, गाइड व्हील, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब को मिला के हम बोलेंगे अपने टर्बाइन, और केसिंग का यहाँ हाइड्रोलिक फंक्शन है और ड्राफ्ट ट्यूब भी यहाँ पे है, ड्राफ्ट ट्यूब का भी हाइड्रोलिक फंक्शन है, मैं बताऊंगा इतना आपको, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ओके।